तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ होंडा की SP125 के कैश और फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों, अभी के समय में कैश का एक शोरूम प्राइस चल रहा है और इस बाइक को लेने पर कितना टैक्स आपको देना होगा और ये ऑन रोड में आपको कितने की मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप इसे फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर आप इसे ले सकते हैं, और मैंने इसमें 2.5 साल का प्लान लिया है तो आपकी पर मंथ की किस्त कितने की बनती है और टोटल ब्याज आपको कितने का देना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात करें चंडीगढ़ के प्राइस की, तो इसके एक्सोरूम प्राइस है 83,910 रूपए। दोस्तों, आरटीओ अमाउंट आपको पे करना होगा 6,700 रूपए का और इंश्योरेंस के आपके बनते हैं 5,905 रूपए। तो दोस्तों, सभी टैक्सेस को मिलाने के बाद आपके ऑन रोड प्राइस बनते हैं 96,515 रूपए। तो दोस्तों, ये तो हुए इसके कैश प्राइस की बात। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस की। अगर आप कराते हैं इसकी डाउन पेमेंट 9,620 रूपए की, तो आपका लोन अमाउंट निकल कर आएगा 86,895 रूपए। दोस्तों, अगर आप इस लोन अमाउंट को 2.5 साल यानी कि 30 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं, 11.3 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने पर आपकी पर मंथ की किस्त निकल कर आएगी 3,347 रूपए की। तो दोस्तों, इस लोन अमाउंट को 2.5 साल के लिए फाइनेंस कराने पर आपका टोटल ब्याज बनता है 13,502 रूपए का। तो डाउन पेमेंट और सभी किस्त को पे करने के बाद आपका टोटल अमाउंट बनता है 1,10,017 रूपए का। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी गाड़ी की फाइनेंस की जानकारी चाहते हैं किसी भी डाउन पेमेंट पर या किसी भी जगह के, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं।